सो गाइस फातिमा जो उनसी है वो फाइनली मेरे व्लॉग में आ चुकी है और ये देखिए फातिमा कितनी प्यारी लग रही है। आप लोगों ने क्या करना है, तीन काम कर देने हैं, लाइक शाइक और सब्सक्राइब और माशाल्लाह भी बोल देना। जी माशाल्लाह खूब बोल दिया करें, इससे क्या होता है नज़र नहीं लगती और अगले बंदे का एक्सीडेंट हो तो बस तक होता है। या हर व्लॉग पर ये बात कहना ज़रूरी है क्या? मेरा बहुत बुरे वाला हुआ था इसलिए मैं कह देती हूँ। तो यार ऐसा करते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं, मजा आएगा वॉक करने। एक्चुअली हम लोग बाबा टिक्का के बाहर खड़े हैं, ठीक है फिलहाल अलग जा रहे हैं अंदर और आपको अंदर से विजिट करवाते हैं सारा कैसा बना हुआ है, इंडोर डेकोर के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो चले अंदर और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। मैं विंटर सीजन की शॉपिंग जो थी वो करने आ गई हूँ और मुझे बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन कर लें, मुझे ऑनलाइन का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। मैं विंटर शॉपिंग करने के लिए आ चुकी हूँ और आज मैं आप लोगों को सारे विंटर से रिलेटेड और चलते हैं अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूँ बिया मलिक आपकी प्यारी बहन जिसे आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जी चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आज का व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, विंटर कलेक्शन जो है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो कि बड़ी ही ज़बरदस्ती होगी। ठीक है जी, तो देर नहीं करते चलते हैं व्लॉग की तरफ। तो जाते जाते जी मेरा काम भी कर दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करते बटन दबाते जाएं ताकि चैनल जो है थोड़ा ग्रो कर सके और मैं ऐसी अपनी वीडियोस जो है ना आपके साथ शेयर करती रहा करूं। ठीक है, तो यहाँ पे जी लगी हुई है सेल और ना लोग जो है ना, अच्छा मुझे वैसे मेरे में इतना इन मैनर नहीं हूँ, मैंने अगर शूज़ तो पहन के देखा है ना तो मेरा यही होता है कि मैंने शूज़ जहाँ से उतारा मैं वहीं पर ना उठा के रखती हूँ रैक पर दोबारा, लेकिन लोग पता नहीं कैसे इतना ज़्यादा इनके पास होता है, मतलब कि रफली हर चीज़ करते हैं, पहनते हैं, देखते हैं, उधर ही जूता फेंक देते हैं, फिर कपड़े भी पहनते हैं, फिर वो भी देखते हैं, वो भी उधर ही फेंक देते हैं। तो मुझे तो ये चीज़ ना बड़ी ना मैनर के लिहाज से बुरी लगती है। आपको कैसी लगती है ये मुझे फीडबैक के ज़रिए बताइएगा। मैंने सोचा अपने ड्रेसिंग में जो है वो भी आपको दिखा दूँ। तो जी मैंने नीचे पहनी हुई है पंजाबी शलवार है इसको कहते हैं, और ऊपर मैंने शर्ट पहनी हुई है मैरून सी और मैंने स्कार्फ वेयर किया हुआ है। तो ये मैं जी वहाँ से बाहर आ गई थी क्योंकि रश अंदर इतना ज़्यादा था, मुझे ऐसा लगा फ्री में चीज़ें मिल रही हैं लेकिन जब मैंने चेक किया तो फ्री में कुछ भी नहीं मिल रहा था। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मुझे लग रहा है कि मैंने बेस जोन सी है वो ज़्यादा ही लगा ली है, तो पता नहीं क्यों मुझे फेस पर ऐसा लग रहा है। आप लोग बताना कमेंट करके कि बेस ज़्यादा लगी है कि नहीं, और जो आप लोग कहेंगे तो वैसा ही होगा, जैसे आप लोग कहते हैं वैसे ही होता है हमेशा। चलें जी मैं फिर से शॉप के अंदर आ गई हूँ और इस दफ़ा फातिमा भी मेरे साथ है। पहले मैं अकेली आई थी, बोर हो रही थी, मैंने कहा चलो यार तुम भी मेरे साथ ही चलो। तो फिर उस तरह क्या होता है कि ना आइडिया हो जाता है कुछ, हमें मटेरियल का हिसाब उसके ना थोड़े कपड़े की ज़्यादा समझ है, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ। तो मैं उसे पूछती रहती हूँ, हाँ बताओ मटेरियल सही है, मतलब कि सेल वेल लगाई हुई है, क्या चक्कर है? तो वो मुझे बता रही थी कि प्राइस के लिहाज से मटेरियल इतना अच्छा नहीं है, मतलब कि उसका कहना ये था कि अगर ये शर्ट या हुडीज वगैरह जो है ना अगर हम इन्हें एक दफ़ा वॉश आउट करेंगे तो मुझे उसको ये लग रहा था कि इस पर बुर शुर ज़रूर आएगी, मतलब कि उसके कहने का मतलब ये था कि इतना अच्छा नहीं है मटेरियल। बट एनीवेज मुझे तो हर चीज़ बहुत अच्छी लग जाती है, तो लेकिन फिर भी मैं ना उससे आइडिया लेती रहती हूँ। इसलिए आप भी अपने साथ एक समझदार दोस्त रखा करें जब भी शॉपिंग में जाया करें, एक समझदार दोस्त को बुला लिया करें, उसके बगैर शॉपिंग ना किया करें, क्योंकि फिर पता क्या होता है हमें इतनी समझ नहीं होती, दो लोग मिलकर आइडियाज़ तो मेरे दिमाग लड़ाते हैं और फिर पता चलता है जी हाँ भाई चीज़ ये नहीं सही, मतलब कि हम लोग कोई ऐसा होता है जब हम अकेले जाते हैं ना तो हमेशा ही कोई फजूल सी चीज़ उठा के ना कर ले जाते हैं। तो यहाँ पे जो लड़कियों के जो आउटलेट्स के ड्रेसेस लगे हुए हैं तो वो भी उसको तो मुझे तो नहीं हाथ इतने लगे। हैर ये जॉर्जेट का कपड़ा था और ये ड्रेस भी बड़ा महंगा था, 7000 का था, ये क्या था कफ्तान टाइप से बना हुआ था, तो विच इज़ नॉट माई टाइप। बट मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ, और कुछ लोग तो यहाँ पर प्राइजेस देखते भी नहीं हैं और बस सूट उठाते हैं और यूं गायब हो जाते हैं, और मुझे समझ नहीं आती कि यार इतना अंधाधुंध विश्वास भरोसा थोड़ी हिंदी निकल गई तो कैसे है लोगों को, मुझे नहीं पता कि ब्रांड्स ने कैसे लोगों को अपनी तरफ इतना अट्रैक्ट किया कि लोग इन पर अंधा यकीन करते हैं और चीज़ें लेते हैं और चले जाते हैं। तो ये लाइट कलर्स भी हैं और कुछ डार्क कलर्स भी हैं, और ये छोटी लड़कियों के लिए, मतलब कि टीन एजर्स यानी 14 to 15 ईयर्स ओल्ड की जो लड़कियाँ होती हैं ना उनके लिए ड्रेसेस हैं।
लिनन है और इसके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है और ये तकरीबन 2000 में मिल रहा है ये ड्रेसेस। बट मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो आप ये ले सकते हैं। ये भी और ये एक चीज़ ये होती है कि मुझे यहाँ पे आगे ना ड्रेस डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ बहुत अच्छे मिल जाते हैं। मैं यहाँ से कुछ लूँ या ना लूँ, मुझे डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ मिल जाते हैं। मैं कहती हूँ कि ऐसा डिज़ाइन मैं बना लूँगी और मैं यकीनन बना भी लेती हूँ। मेरे ख्याल से आप भी बहुत से लोग ऐसे ही करते होंगे। आप घर बैठे मैं आप लोगों को ये सारा दिखा रही हूँ, तो आप लोगों ने क्या करना है, लाइक कर देना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर कि इधर उधर गए ना तो मैं ना आपसे नाराज़ हो जाऊँगी। सब्सक्राइब भी करना है आपने मेरे चैनल को, और इधर उधर नहीं जाना आपने, इधर उधर से समझ रहे हैं ना, यानी किसी और चैनल में नहीं जाना बल्कि मेरे व्लॉग को वॉच करना है एंड तक। और ये हुडीज़ हैं और हुडीज़ की प्राइस नॉर्मल ही है, 1500 तक मिल रही हैं ये हुडीज़, और इनका मटेरियल भी अच्छा है, मतलब कि रीज़नेबल है। तो ये लड़कियों की कुछ टी शर्ट्स हैं, मतलब के जो होती है ना ट्राउज़र एंड शर्ट्स, आजकल ऑल ओवर शर्ट एंड ट्राउज़र चल रहा है। लड़कियां जो टीनेजर्स होती हैं वो यही आजकल वेयर कर रही हैं। लॉन्ग शर्ट है, थोड़ी सी घुटनों से थोड़ी सी ऊपर तक है, तो इसकी भी प्राइस जो है वो, इसकी प्राइस जो थी वो मतलब ये ट्राउज़र और शर्ट्स जो वाली जो ड्रेसेस है ना उसकी 2000 तक है। तो मतलब कि ये सर्दियों में अच्छा लगता है कि आउटगोइंग भी लड़कियाँ बच्चियाँ पहन लेती हैं, और घर में भी इजीली, मतलब कि सर्दी होती है तो फिर स्वेटर वगैरह वेयर करने की ना ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये भी कुछ डिज़ाइन थे, इसका एक बाजू वाइट था एक ग्रे था, ये उन्होंने डिज़ाइन बनाया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हम ये जो हुडीज़ के डिज़ाइन हैं ये ना तो कॉपी कर सकते हैं ना पेस्ट कर सकते हैं, बट इसे हम इसे इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो आप भी यहाँ पर आके इसे परचेज कर सकते हैं। ये चेक शर्ट्स जो हैं ये मुझे बड़ी बहुत अच्छी लगी, और इनकी प्राइस भी रीज़नेबल है, 1500 की ये शर्ट्स मिल रही हैं। तो जो लड़के जो हैं, जो बॉयज़ जो हैं, वो चेक शर्ट्स पहनना पसंद करते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 1500 में शर्ट मिल रही है, सर्दियों वाली है, आए ले लें मतलब कि ले सकते हैं। सो मैं यहाँ पे ये शर्ट्स इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मेरा भाई जो है वो भी जो है ना चेक शर्ट ही उसको पसंद आती है, और वो इसी तरह की शर्ट्स पहनना पसंद करता है, तो मैं उसके लिए कुछ देख रही थी। कलर की मुझे समझ नहीं आ रही थी क्योंकि ब्लू कलर भी उसके पास है, ग्रीन भी है, तो रेड तो उसने पहनना नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी लूँ या ना लूँ। बट मैंने सोचा कि वीडियो बना लेती हूँ, उसको घर जाकर दिखा लूँगी और उसको मैं कहूँगी पसंद कर लो। अगर उसने कह दिया यस तो फिर हम ले लेंगे, और वैसे मुझे आइडियाज़ भी यहाँ पर मिल रहे हैं, तो मैंने कहा वो भी लेती चलूँ, आइडियाज़ तो मिल नहीं रहे हैं ना। सो ये सारे ही जो है ना, उन्होंने कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो हैंग आउट किए हुए हैं और उसी आर्टिकल्स को पैक भी किया हुआ है। और भी कलर्स हैं, ब्राउन भी है, येलो भी है, सारे कलर्स हैं, मतलब कि कोई ऐसा कलर नहीं था जो ना हो। सो मैंने सोचा सारे कलर आपको दिखा दूं ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। वीडियो बनानी होती है तब रश हो जाता है, और क्योंकि आजकल इतना रश है मार्केट में, मॉल्स में ऐसे जैसे फ्री के कपड़े मिल रहे हो, लोगों को तो बस एक ही काम है, एक खूबसूरत लगना और अच्छे कपड़े पहनना और अच्छा खाना, बस दो लोगों का काम है। और आज की जो ओवरऑल लुक है वो मैं आपको कैसे दिखाऊं, क्योंकि मैं अकेली हूँ, कैसे दिखाऊं मैं आप लोगों को। अच्छा जी, अब मैं इतिहाद वालों के अंदर आई हूँ, मुझे ना टॉवल्स वगैरह कुछ लेने थे घर के लिए, तो मैंने सोचा वो भी देख लूँ। और यहाँ पे बेड शीट्स भी लगी हुई हैं, और उन्होंने बेड्स के ऊपर तकरीबन फैला फैला के दिखाई हुई हैं। और ये ना वो जो शादी के लिए बच्चियों को देते हैं ना, ये वो वाली रजाई है लेकिन ज़रूरी नहीं है वही हो। अगर नए घर में शिफ्ट हुए हैं या नया घर लिया है तो आप भी ये ले सकते हैं। इसके साथ पूरा सेट था, पिलो, कुशंस एंड बेड शीट, और ऊपर उसकी कंफर्ट रज़ाई, हाँ ये चार पांच चीज़ें जो होती हैं ना वो सारी चीज़ें एक साथ दे रहे थे। और पूरा पूरा सेट जो है ना वो उसकी प्राइस थोड़ी हाई है, लेकिन आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। अच्छा, बेडशीट्स में जो डिज़ाइंस थे वो बहुत ज़्यादा थे और बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छे भी लगे। कुछ लोग लाइट पसंद करते हैं, कुछ लोग डार्क पसंद करते हैं, बट ऑनेस्टली डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं। लाइट कलर्स में भी बहुत प्यारे थे और डार्क कलर्स में भी बहुत प्यारे थे। उन्होंने स्पेशली जो बेड के ऊपर लगा के दिखाए हुए हैं कि लोगों को आइडिया हो जाए कि रज़ाई की जो लंबाई चौड़ाई कितनी है, और बेड पे किस तरह आएगी, और कुशन किस तरह से आएंगे, और तकिए जो होते हैं वो किस तरह से डिस्प्ले होंगे। तो ये सारा उन्होंने ओवरऑल जो है वो डिस्प्ले किया हुआ है। उसके अलावा ये जी फर्नीचर सेल भी करते हैं, तो मैं वैसे इनसे पूछ रही थी कि आप ये फर्नीचर किस चीज़ का बना हुआ है, तो लकड़ी तो उन्होंने मुझे नहीं बताई। सो इसका मतलब ये है कि ये प्लाई का फर्नीचर है, जो
प्लाई का फर्नीचर है, मतलब कि वुड का नहीं था ये। वुड का जो फर्नीचर होता है ना उसका पता चल जाता है ये दूसरा फर्नीचर था, बट डिज़ाइंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब कि ऐसे डिज़ाइंस अगर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप बनवा भी सकते हैं। अच्छा जी, सिंपल डिज़ाइन थे, सिंपल बेड थे, तो सिंपल बेड भी अच्छे लगते हैं क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं एज़ कम्पेयर टू द दूसरे वो जो कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ होती हैं ना और वेलवेट शेलवेट होती है जो कि आजकल बहुत आई हुई है, उसकी निस्बत ना ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं इसलिए क्योंकि ये डिज़ाइन फॉरएवर चलते हैं। और ये जो सोफ़ा था ना, ये सोफ़ा कंफर्ट बेड था, यानी बेड भी बन जाता है और सोफ़ा भी है। मुझे ये तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन प्राइस जो थी इसकी मेरे लिहाज से ज़्यादा थी, 15,000 का था ये। तो अभी तो नहीं मैं ले सकती हेयर, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा कि ये बेड भी बन जाता है, सोफ़ा भी बन जाता है, हेयर तो ये चीज़ मुझे पसंद आई थी। आपको कैसी लगी फीडबैक में बताएं। जनरेटर वगैरह चल रहा है जिसकी वजह से जो मेरी आवाज़ है वो आप तक ज़रा कम पहुंच रही है, तो प्लीज़ माजरत इस चीज़ के लिए। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाएं मेरे चैनल को लाइक कर दें, एक सेकंड लगता है बस लाइक करने में, तो कर दें आप लोग, एक सेकंड भी नहीं लगता, मैं एक सेकंड बोल रही हूँ, एक सेकंड भी नहीं लगता। और जो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को टोटका बताया था और वो मैंने खुद भी अप्लाई किया है, जिसका नाम था पीला लड्डू, जिसका ये नेम था। और ये देखिए मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है, और देखिए आप लोगों के सामने लाइव रिजल्ट है, मैं आपके सामने हूँ लाइव। तो इतना अच्छा निखार आया ना, तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने मेरा जो रेमेडी है वो अप्लाई किया और उसका कैसा रिज़ल्ट था आपके फेस पे, तो आप लोगों ने मुझसे ज़रूर शेयर करना है। तो चलते हैं फिर अंदर, और पता नहीं लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आया है, मुझे तो पहले चेक करनी पड़ती है, डॉलर पहले सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि डॉलर कितने का, उसके हिसाब से मैंने शॉपिंग करनी है। और यहाँ पे तो लोग ब्रांड के आए हुए हैं ब्रांड टू ब्रांड ख़रीदने, और लोगों का कोई भी नहीं होता कि लोग चेकिंग करवाएं, बस अमाउंट की कितने प्राइस है ये वो कुछ भी नहीं, बस उठाते हैं पिक कर लेते हैं और चले जाते हैं। गाइस लैम लाइट में भी लगी हुई है सेल, और 25 सेल भी लगी हुई है, डिस्काउंट भी है, 25% डिस्काउंट है, तो जल्दी से जाइए ग्रैब करें और विंटर के जो कपड़े हैं वो भी से खरीद लें। आ चुकी है, आप लोग सोच रहे होंगे कौन सी घड़ी आ चुकी है, तो फातिमा आ चुकी हैं और अब हम उनसे मिलते हैं, काफ़ी टाइम लगा के आई है, तो मैं उससे पूछती हूँ इतना टाइम उसने कहाँ पे लगाया। सो गई फातिमा जो उनसी है वो फाइनली मेरे व्लॉग में आ चुकी है, और ये देखिए फातिमा कितनी प्यारी लग रही है। आप लोगों ने क्या करना है, तीन काम कर देने हैं, लाइक शाइक और सब्सक्राइब, और माशाल्लाह भी बोल देना। जी माशाल्लाह तो बोल दिया करें, इससे क्या होता है नज़र नहीं लगती और अगले बंदे का एक्सीडेंट हो जाए, बस बताइए हर व्लॉग पर ये बात कहना ज़रूरी है क्या। मेरा बहुत बुरे वाला हुआ था इसलिए मैं कह देती हूँ। तो यार ऐसा करते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं, मज़ा आएगा वॉक करने का। एक्चुअली हम लोग बाबा टिक्का के बाहर खड़े हैं, ठीक है फिलहाल अलग जा रहे हैं अंदर, और आपको अंदर से विजिट करवाते हैं सारा कैसा बना हुआ है, इंडोर डेकोर के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो चले अंदर और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। शॉपिंग करने के बाद भूखना लगे ये कौन कहता है, भूख तो लगती रहती है। तो यहाँ पे बाबा टिक्का जो है यहाँ पे न्यू ये ब्रांच जो है ओपन की गई है, तो मैंने सोचा इसको विजिट कर लेते हैं। वैसे तो यहाँ का खाना अच्छा होता है, मतलब कि हर ब्रांच पे अच्छा होगा ये नहीं पता। इसके अलावा ये आइसक्रीम जो है ये फ्रोजन बाइट्स वालों की आइसक्रीम जो है ये भी यहाँ पे ओपन हुई है अब साथ में, मतलब कि लोगों ने मतलब कि इन्होंने ये कहा कि खाना अंदर से खाएं मुंह मीठा करने के लिए फिर बाहर से आइसक्रीम खा लें। सर्दियाँ हैं, वैसे सर्दियों में आइसक्रीम मुझे तो नहीं इतनी अच्छी लगती, मैं तो नहीं कहता चाय होनी चाहिए। तो आप लोगों को सर्दियों के लिहाज से क्या चीज़ पसंद होती है कि खाने के बाद आइसक्रीम हो या फिर गुलाब जामुन या चाय हो, तो दोनों में से कौन सी चीज़ आप लोग रेफ़र करते हैं प्रेफर करते हैं ये मुझे बताना है आपने। तो जी अब इसके अंदर जाने का टाइम आ गया क्योंकि मैंने आपको दिखाना है अंदर से सारा कैसे बना हुआ है, किस तरह से इन्होंने इसको इंडोर डेकोर बनाया है, और कितने इसकी जो है ना वो हैं हॉल्स हैं वो भी मैंने आपको दिखाने हैं। तो साथ ही इन्होंने यहाँ पे फूल वगैरह सेल करने के लगाए हुए, यानी कि अगर किसी की बर्थडे होती है और इनके साथ भूल जाते हैं गिफ्ट वगैरह लेना भूल जाते हैं, आपको याद ही नहीं रहता कि गिफ्ट भी देना था, या फिर एनिवर्सरी होती है तो भी आपको गिफ्ट लेना भूल जाते हैं, तो आप यहाँ से फूल लेके ना अपना फाका कर सकते हैं थोड़ा सा बच बचाव हो सकता है।
तो इस तरह से जी ये एंट्रेस है, एंट्रेस पे इन्होंने ये येलो कलर का जो है सिटिंग सोफ़ा इधर भी रखा हुआ है, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइडों पे है। और इस तरह से हम अंदर आएँ तो ये हॉल है, ठीक है, ये हॉल है और ये है हॉल नंबर 1, यानी कि हम इसको हॉल नंबर 1 ही कहेंगे, ठीक है। इस तरह से इसकी लोकेशन है, हम तो ये प्यारा सा बना हुआ है और जो है ना इन्होंने इसका इंटीरियर इंटीरियर डेकोर बड़ा अच्छा हुआ है। और सेकंड चीज़ मैं आपको बता दूं कि मिंट मार्गरेटा मिल देते हैं, ये पहले सर्व करते हैं, हॉस्पिटैलिटी इनकी बहुत अच्छी है और जिससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और लोग जो है उनको अच्छा लगता है। तो फिर जी ये पहला हॉल था, ये मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रही हूँ और ये आ जाता है हॉल नंबर 2, यानी कि जिन लोगों को बेसमेंट में नीचे फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर में बैठना पसंद नहीं है तो वो दूसरे हॉल में आ सकते हैं। बहुत सी फैमिलीज यहाँ भी आई हुई हैं। अच्छा, यहाँ पर भी जो इनका इंटीरियर और डिज़ाइनिंग वगैरह बहुत अच्छी हुई है और वो आपको नज़र आ रहा होगा रूफ़ टॉप, यानी कि इन्होंने थर्ड फ्लोर भी बनाया है, रूफ़ टॉप भी बनाया है। सर्दियों में वैसे भी खुली जगह पर खाना खाने का ना अपना ही एक अलग और वक्रा स्वाद होता है। वैसे तो ये जो फ्लोर, ये जो इन्होंने फ्लोर बनाया है ये भी ओपन है, मतलब कि इसके ऊपर भी छत नहीं है, लेकिन हम जा रहे हैं रूफटॉप की तरफ, यानी ऊपर जाके देखते हैं कि इन्होंने वो कैसा बनाया है। रूफटॉप पे खाना खाने का ना अलग ही मज़ा है, वो कराची वाली फीलिंग आ जाती है। समुंदर पास हो या ना हो, ऊंचाई पर बैठे हुए हैं और खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं तो आहा, बड़ी मज़े की फीलिंग आती है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, ये रूफटॉप है और ये इन्होंने इस तरह से डेकोर किया हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है। ग्रीनरी का टच इन्होंने दिया है जो कि अच्छा लग रहा है, लाइटनिंग बहुत ज़्यादा की है वो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये जायनमाज यानी कि इन्होंने नमाज कॉर्नर बनाया हुआ है, अगर किसी ने नमाज पढ़नी है तो वो यहाँ पर आके पढ़ सकता है, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है और वो भी उसका भी उन्होंने ख्याल रखा है, उन्होंने अलग से जो है ना वो नमाज कॉर्नर बनाया है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि खाना बनने में बहुत टाइम लग जाता है और बहुत से जो नमाज का टाइम निकल जाता है या फिर ईशा की नमाज़ टाइम पर पढ़ ली जाए तो यानी लेट होते होते भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, मतलब कि इंसान को पढ़ लेनी चाहिए नमाज, या फिर मगरिब और असर आजकल बहुत साथ साथ हो जाती हैं और उनके टाइमिंग में भी बहुत कम डिफरेंस होता है, तो वो नमाज भी दोनों तो इंसान ने अगर पढ़नी है तो वो पढ़ ले। सो ये काम भी साथ साथ ज़िंदगी के चलता रहता है। तो मेरी फ्रेंड जो उनसे हैं वो आ रही हैं और मैं आपसे उनको मिलवाती हूँ अपनी फ्रेंड से, और मैं इसलिए यहाँ पे इतना एक्साइटेड हुई हूँ क्योंकि वो बस आने वाले हैं, तो लेट्स गो उनसे मिलते हैं। जो फ्रेंड से मिलके खुशी होती है ना, वो किसी से भी नहीं मिलके होती। आप यहाँ पे आके क्या कर रही हैं? नहीं, आपने फेस दिखा दिया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, अब हम जा रहे हैं बाबा टिक्का में और यहाँ का खाना हम लोग करेंगे टेस्ट और आपको देंगे रिव्यू बहुत अच्छे वाला, तो आपने हमारे साथ रहना है और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत। तो बाबा दी का जो है वो मैंने आपको सारा दिखा दिया था और इसके अंदर हम लोगों ने क्या खाना खाया, क्या ऑर्डर किया और आइसक्रीम खाई, ये मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। और ये व्लॉग जो है मैंने कहा ज़्यादा लंबा ना हो जाए, बोर ना हो जाए, क्योंकि बोर भी बहुत जल्दी हो जाते हैं हम लोग, तो इसलिए मैं इस व्लॉग को कर रही हूँ यहीं पर एंड। मैं मिलूँगी आपसे अपनी एक नई वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ, यानी कि इसी व्लॉग का टू बी कंटिन्यूड सेकेंड पार्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो आपने जी मेरे साथ स्टे कनेक्टेड रहना है। तो मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, नए व्लॉग में, नई जगह पे। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।